वर्षों बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में इसका उत्साह मनाया जा रहा है। बागली तहसील क्षेत्र ग्रामीण अंचल में भी इसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह देखा जा रहा है और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विगत एक माह से इस दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कहीं पर अक्षत कलश यात्रा तो कहीं पर अक्षत वितरण और भजन कीर्तन सहित प्रभात फेरियों का भी आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 5 बजे प्रत्येक गांव में ग्रामीणों एवं महिलाओं द्वारा श्री राम के भजनों के साथ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। वहीं 22 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव के मंदिरों की साफ सफाई कर उन्हें लाइट से आकर्षक रूप से सजाया गया है। शासकीय श्री PM स्कूल कमलापुर में भी छात्र छात्राओं ने श्री राम की अद्भुत मानव श्रृंखला भी बनाई गयी। प्रत्येक गाँव में भगवान श्री राम के ध्वजों से गाँव को सजाया गया है। 22 जनवरी को भी प्रत्येक गांव में उत्साह के साथ आयोजन होंगे, जिसमें चल समारोह, भोजन भंडारे सहित कई प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। वर्तमान समय में छोटे बड़े बुजुर्ग एवं महिलाएं सभी राम भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल राममय नजर आ रहा है। घरों के आंगन में रंगोलियां भी बनाई जा रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जो प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके संदर्भ में पूरे बागली खंड में गांव-गांव पर प्रभात फेरियां निकाली जा रही है और घर घर रंगोली बनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है और छोटे से छोटे गांव में प्रभु श्री राम और जो भी मंदिर है उनको बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो जब अयोध्या आए थे, उस दिन की खुशी आज हर गांव में, हर शहर में और हर नगर में उस तरह का माहौल और खुशी का माहौल है। 22 जनवरी को क्या कार्यक्रम होना है, क्या है? 22 जनवरी को हमारे नगर चापड़ा में सुबह बड़ी विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद 10 बजे से अखाड़े के साथ चल समारोह निकलेगा पूरे नगर में और उसके पश्चात मंदिर पर महाआरती होगी, प्रसाद वितरण होगा
और शाम को सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।